नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रगति द्विवेदी। जब से व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करना शुरू किया है, ज्यादातर यूजर्स दूसरे ऐप्स की तरफ रुख करने लगे हैं। लेकिन चैट हिस्ट्री का क्या होगा, इसको लेकर दुविधा जरूर है। तो अब आपकी दुविधा दूर होने वाली है, क्योंकि मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने एक नया फीचर शुरू किया है, जिसकी मदद से आप अपनी सभी चैट हिस्ट्री को बड़ी आसानी से टेलीग्राम में ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं इसका आसान तरीका। एंड्रॉइड यूजर्स व्हाट्सएप ओपन करें, इसके बाद जिस यूजर्स की चैट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसकी चैट में जाएं। इसके बाद टॉप राइट साइड में दिए 3 डॉट पर क्लिक करें। यहाँ चैट एक्सपोर्ट का विकल्प दिखाई देगा। अब एक पॉपअप के जरिए आपसे पूछा जाएगा कि आप चैट को अटैचमेंट के साथ या अटैचमेंट के बिना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस पर क्लिक करने के बाद नीचे दिए गए टेलीग्राम के आइकन को सेलेक्ट करें। अगर ये आइकन नहीं दिखता है तो आपको अपने दोनों ऐप यानी टेलीग्राम और व्हाट्सएप को अपडेट करने की जरूरत है। आपको हर एक चैट को एक एक करके ट्रांसफर करना होगा और ये फीचर्स ग्रुप चैट पर भी काम करेगा, लेकिन ये सभी मैसेज टेलीग्राम पर आज की तारीख में ही दिखाई देंगे। व्हाट्सएप चैट में जैसे मैसेज टाइमलाइन में दिखते हैं उस तरह से नहीं दिखाई देंगे। आईफोन यूजर्स भी अपने दूसरे मैसेजिंग एप्स की चैट हिस्ट्री को टेलीग्राम में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए चैट को लेफ्ट स्वाइप करें और सीधे एक्सपोर्ट पर टैप करें। आपको बता दें कि 5 जनवरी से व्हाट्सएप ने दुनिया भर में अपने यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी भेजना शुरू किया। इस पॉलिसी में डेटा फेसबुक पर शेयर करने की बात कही गई थी। इसके बाद पूरी दुनिया में यूजर्स ने नए पॉलिसी का विरोध किया। ज्यादातर यूजर्स अब मैसेजिंग और चैटिंग के लिए सिग्नल और टेलीग्राम डाउनलोड करने लगे। हालांकि कंपनी ने बाद में इस पर अपनी सफाई दी थी। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल टीवी 9 भारतवर्ष। नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।